उनकी तरफ से 50,000 और दीगर कई लोगों की जाने से मदद की गई है। आप आने का यहाँ पे वादा पहले ही हो चुका था, आज आप आए हैं, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, इस तरह 6 तारीख को जो हादिसा हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक मासूम बच्चा एक दोस्तों के बीच में जाके तू मई होके उसका मर्डर होके स्पॉट में उसका इंतकाल हो गया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बाद में 2 दिन के बाद हमारे अज्जू जन के घर पर पहुँच के इनकी हालत देख के मेरे को फ़ोन करके बताया कि भाई एक ही लड़का था उनकी, वो माँ भी बीड़ी के काम को जाती थी, भाड़े के घर में गुजरान चलना मुश्किल है, वो एक ही बच्चा देखता था। करके अज्जू बताने के बाद उनसे वादा किया था मैं 1-2-3 दिन छोड़ के आता हूँ, करके इधर आके देखने के बाद हालत, जैसे कि इधर के लोकल पंडू है, हमारे बशीर है, हमारे बोर्ड के चेयरमैन अकरम साहब है, अज्जू सलीम सब मिल के हम लोग, इनकी हालत मालूम होने के बबाद मेरी तरफ से एक भोग्यम का घर दल ला करके 5 लाख दिया। अभी वो बच्चे को तो 1,000 करोड़ देंगे तो बच्चे को ला सकते थे, मगर अभी उनके एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ हम इंसानियत के नाते कुछ करना करके मेरी तरफ से एक भोग्यम का घर दल ला करके 1-5 लाख से दिया। ऐसा बहुत से जन मदद कर दे, जैसे कि अभी अज्जू ने भी 50,000 रुपये दिया, हमारे अयूब ने भी 50,000 रुपये को दिया। ऐसे बहुत से नेक आदमी हैं जो हमदर्दी रखते हैं, वो लोग मदद करके आते हैं कुछ भी हो, मगर बच्चे को तो ला नहीं सकते हम। इनकी इसके लिए हम लोग ने इनके फैमिली के लिए वो भोग्यम का घर दल ला करके 1-5 लाख रुपये मुआवजा मेरी तरफ से दिया है। और मैं गवर्नमेंट से भी आपके माध्यम मुखांतर, क्यों गवर्नमेंट हर जगह परिहार से तैयारी है हर एक को, तो इधर क्यों अब तक नहीं दी करके मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं भी चीफ मिनिस्टर से मिल के इनको गवर्नमेंट से जितना होता उतना कंपोजिशन दिलाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। उसके साथ में इनका हाउसिंग बोर्ड में कल अप्लीकेशन डालने को बोला हूँ, समीर को और हमारे पंडू को दोनों को अप्लीकेशन डाला हूँ, वो सीनियरिटी में अलाट करते हैं। इनके केस के स्पेशल केस के अंदर एक घर अलाट करने की जद्दोजहद कोशिश करते हैं। सर, रियासत भर में आप हमेशा ये माने जाते हैं कि जब भी किसी प्रॉब्लम आता है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बिना कौम देखे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, तमाम को मदद करते हैं। और मैसूर वालों ने देखा है कि बड़े मकान में जब कारखाने जल गए थे और कोलंबिया में एशिया में एक लड़की एडमिट थी, उसने सिर्फ आपको एक जमीर भैया मदद करो बोले, तब आपने किया था। इस तरह कई मदद जगह हर जगह जाके हर हादसे में मैं कर नहीं सकता जी। अभी जहाँ मालूम होता है जी सर, अभी जैसे कि अज्जू ने फोन करके बताया कि इसके पहले बताया था, अभी मालूम होने के बाद एक मजबूर आदमी ऐसा हो गया, ऐसा इंतकाल हो गया एक नौजवान बच्चा करके, हम मदद नहीं करेंगे तो इंसाफ नहीं रहेगी। और मैं भी मतलब ही हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बगैर फायदे के कोई नहीं करता, मैं भी मेरी आखिरत की पूंजी के लिए करता हूँ, मैं तो अल्लाह में सब किया, मैं भी एक मतलब ही आदमी हूँ, मेरे को भी आखिरत पूंजी के लिए चाहिए ना, आखिरत का पूंजी के सोच के कर रहा हूँ। सर, हजारों दुआ में एक और दुआ मिल गया सर।